शिवपुत्र गणेशान के साथ इसे भी वापस लौटकर अपनी योजना को असफल नहीं कर सकते हम। प्रभु, अपने ही मुझे आकार दिया है और साकार किया है, तो एक बार फिर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अपने अस्त्रों को उठाने में असमर्थ हूं मैं, तो मैं इन्हें नहीं रोक सकता, आप ही इन्हें रोकिए प्रभु। मुझे बताओ भंडासुर, ये दोनों दुष्ट वेदों को कहां ले जाने वाले थे? क्या करने जा रहे थे उनके साथ? इस बार वो इन्हें नष्ट करने जा रहे हैं। ऐसे स्थान पर ले जाकर जहां आप भी ढूंढ ना सके, और वो स्थान भंडासुर। अब तो भंडासुर भी नहीं रहा। यही तो हमारा अफसर है, और अफसर का लाभ ना उठाने वाला मूर्ख होता है, और मुझे तो अपना साम्राज्य बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए अफसर मैं जाने नहीं दूंगा। हमें गणेश की दृष्टि से ओझल होकर इन वेदों को नष्ट कर देना चाहिए। इससे पहले कि वो दोनों असुर वेदों को लेकर अधिक दूर चले जाएं, मुझे उनको रोकना चाहिए। मूषक जी, शीघ्र ही मुझे भैया कार्तिकेय के पास ले चलिए। जी प्रभु। समस्त सृष्टि अस्थिर हो रही है, विनाश का आरंभ हो रहा है, इसे शीघ्र रोकना होगा मुझे। गणेश, भंडासुर ने क्या बताया तुम्हें? सृष्टि के आधार पर ही प्रहार किया है इन दुष्टों ने। हयग्रीव और दुर्गमासुर ने पुनः वेदों की चोरी कर ली है, और अब वो उन्हें नष्ट करने जा रहे हैं। वेदों के लुप्त होने से अंधकार ही सर्वत्र छा गया है। अब हम कैसे रोके इस महासंकट को, ये समझ नहीं आ रहा है भैया, क्योंकि त्रिदेव त्रिदेवियों के बिना इसे रोकना असंभव सा जान पड़ता है। केवल भंडासुर को ज्ञात है कि दुर्गमासुर और हयग्रीव कहाँ हैं, परंतु वो स्वयं मिट्टी बन चुका है। यदि वेद नष्ट हो गए तो समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे। प्रति क्षण इस बढ़ते संकट को कैसे रोकना है, ये हमें शीघ्र ज्ञात करना होगा भैया। हाँ गणेश, पृथ्वी तो सूर्य के और निकट आ रही है, और ये क्या, पृथ्वी से दुगने आकार का ये ग्रह पृथ्वी के मार्ग में आ रहा है, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हाँ भैया, समय बहुत ही कम है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, हमें किसी भी परिस्थिति में इसे अभी ही रोकना होगा। उसे रोकिए और मैं इसकी दिशा परिवर्तित करता हूँ। उचित है गणेश। ये संकट तो टल गया भैया। हाँ गणेश, किंतु हमें सभी ब्रह्मांडों का संतुलन स्थापित करने के लिए वेदों को शीघ्र अतिशीघ्र उनके स्थान पर लौटाना होगा। और उसका तो एकमात्र उपाय है उन दुष्ट असुरों को ढूंढना,
यदि मैं एकाग्र होकर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करूं, तो अवश्य कुछ संकेत मिलेंगे। श्री, ये कैसा अंधकार है जिसके पार मेरी दिव्य दृष्टि भी दुर्गमासुर को नहीं ढूंढ पा रही है। ढूंढना तो दूर, किसी प्रकार का संकेत भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस अंधकार से धर्म का कोई प्रकाश उन तक नहीं पहुंचेगा। ये उचित समय है इन वेदों को नष्ट करने का। अधर्म के अंधकारी सागर में अधर्म अपने चरम पर है। यहाँ धर्म की प्रकाश की एक भी किरण पहुँच नहीं सकती। किंतु हम कैसे नष्ट करें इन्हें, जिससे संसार में कभी भी वैदिक श्लोकों के स्वर कभी न गूंजें। ये तो बड़ा सरल है, छिन भिन कर दो इन्हें, ज्ञान सूत्र बिखर कर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। उचित कहा है ये आपने। वो दोनों जहाँ भी छुपे हो उन्हें ढूंढना ही होगा। किंतु कैसे अनुज, इस अंधकार में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भैया, जब दृष्टि नहीं देख पाती तो हमारे कान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मात्र गहन अंधकार ही नहीं, सर्वत्र व्याप्त मायावी शांति के कारण कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है। ये वेद नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? नष्ट नहीं हो सकते तो इस अंधकार में विलुप्त तो हो ही सकते हैं। गहन अंधकार में फेंक दो ही नहीं। संभव है ये वेद इस प्रकार नष्ट नहीं होंगे, तो शीघ्र कोई अन्य उपाय करो। भैया, हमें कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा। क्या कोई संकेत नहीं मिला तुम्हें? भंडासुर ने सत्य कहा था, वो किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ उन्हें ढूंढना असंभव है, क्योंकि वहाँ बस अंधकार का ही साम्राज्य है। किंतु इस प्रकार तो बहुत विलंब हो जाएगा गणेश, इस समय एक एक पल हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हमें शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास इन वेदों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय है। समय की चिंता मुझे नहीं उन्हें होगी, क्योंकि वेद नहीं तो सृष्टि भी सुरक्षित नहीं। पुनः स्थिर भाव से चिंतन करो अनुज, यदि अंधकार समस्या है तो उसके समाधान का कोई न कोई प्रकाश भी अवश्य होगा। अंधकार, जहाँ ऐसा अंधकार छाया हो वहाँ तो एकमात्र वेद माता ही उन असुरों को ढूंढ सकती है। वेद माता? किंतु इस समय तो कोई भी माता जागृत अवस्था में नहीं है, क्योंकि श्री माता ललिता ही योग निद्रा में है। हमें कोई न कोई अन्य उपाय सोचना ही होगा गणेश। सोचो गणेश, सोचो। सोचो दुर्गमासुर, कोई तो अन्य उपाय अवश्य होगा इन्हें नष्ट करने का। इन्हें चीर कर देखें। नहीं, इन्हें चीरने पर भी हम सफल नहीं होंगे। कदाचित एक उपाय है मेरे पास। भैया, माता ने कहा था समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान होता है। समस्या हमें ज्ञात है गणेश, वेद संसार से लुप्त है, इसीलिए इसका तो एक ही समाधान है, उन्हें ढूंढना और उन्हें उनके स्थान पर लौटाना। धन्यवाद भैया, आपने तो समस्या का विचार कर उसका समाधान भी सुझा दिया। कैसा समाधान गणेश? मैं उन असुरों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, किंतु मुझे तो वेदों को ढूंढना चाहिए था। तो वहाँ वेदों के प्रकाश को जागृत करने का क्या उपाय है? मंत्रों में श्रेष्ठतम गायत्री मंत्र। तो फिर ये कैसे संभव है गणेश? एक एक कर उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर भैया। Thank you.
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हमारा ये उपाय सफल होगा? अवश्य सफल होगा। अग्नि सात्विक होती है, वो भेद नहीं करती। भले ये वेद हमारी असुरी शक्तियों को निरर्थक कर सकते हैं, किंतु जिस अग्नि की महिमा का ये स्वयं वर्णन करते हैं, उसका तिरस्कार कैसे करेंगे? मैं महानतम वेद ऋग्वेद पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कैसा प्रकाश है? वेदों का प्रकाश हमारे लिए संकट का संकेत है अग्नि। मैं साम वेद पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। वेदों के प्रकाश ने नष्ट करने वाली अग्नि से इन्हें सुरक्षित कर लिया दुर्गम असुर। हमें और प्रयास करना होगा। अब मैं अथर्ववेद का ध्यान करता हूँ। नष्ट कर देंगे इन वेदों को। सुरक्षित नहीं रहने देंगे इन्हें। दिव्य प्रकाश प्रतीत होता है वेदों की शक्ति मुझे कोई संकेत देने का प्रयास कर रही है। हमारे सभी प्रयास विफल कैसे हो सकते हैं? ये प्रकाश का कैसा दिव्य कवच है इनके चारों ओर। वेदों को जागृत रखो, मैं शीघ्र उन्हें लौटा कर लाता हूं। ये वेद स्वयं की सुरक्षा तो नहीं कर सकते, अवश्य कोई दिव्य शक्ति ही इनकी रक्षा कर रही है। संभव है इन्हें दूर से ही किसी ने जागृत किया हो। समझ गया, महादेव पुत्र गणेश। hmm.
तो इनके प्रकाश को संकेत बनाकर कोई इन्हें यहाँ से लौटाने भी आ रहा होगा। मुझे आशा है कि इस दिव्य प्रकाश के लुप्त होने के पूर्व ही भैया वहाँ पहुँच जाएंगे। दिव्य प्रकाश तो लुप्त हो गया, ये कैसे हुआ? अब मैं उन वेदों को कैसे ढूंढूंगा? लोहर लिया मैंने प्रकाश, अब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। अद्भुत! संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का भार हम पर है और हमारे पास कोई उपाय ही नहीं। अब एक ही उपाय है भैया, माता, माता को उनकी योग निद्रा से जागृत करना। अब वही अपने वेद माता रूप में इस अंधकार में भी उन असुरों और वेदों को ढूंढ सकती हैं। माता को इस प्रकार जागृत करने से वो क्रोधित हो गई तो कहीं कोई नया अनर्थ न हो जाए। आप उचित कहते हैं भैया, माँ पार्वती तो माता की ही अंश हैं। फिर जब उनका क्रोध इतना विकराल हो सकता है तो माता पराशक्ति के क्रोध का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। किंतु क्या गणेश? परिस्थिति जब विकट और विकराल हो तो हमें उचित निर्णय लेकर आगे बढ़ना ही पड़ता है, और अभी उचित यही होगा कि हम माता को जागृत करें। माता, मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु मैं विवश हूँ क्योंकि असुरों द्वारा वेदों को निगलकर लुप्त करने के कारण संपूर्ण सृष्टि विनाश के निकट है। अब आप ही सबकी रक्षा कर सकती हैं माता। माता, संकट अब विकराल रूप ले चुका है और आप में ही इसे रोकने की क्षमता है, इसीलिए अपनी योग निद्रा से बाहर आने की कृपा कीजिए माता। अनुज गणेश, माता अपनी योग निद्रा में हमारी पुकार कैसे सुन सकेंगे? संतान अपनी माता को पुकारे तो माता उसकी पुकार सुनती ही है, वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगी भैया। माता, सृष्टि को, आपके पुत्र गणेश को आपकी आवश्यकता है, कृपया जागृत हो जाइए माँ। आज आपको मेरी पुकार सुननी होगी, हम पर, इस सृष्टि पर अपनी ममता और दया का सागर बरसाना ही होगा। ये केवल एक पुत्र की पुकार नहीं है अपितु समस्त संसार की पुकार है। जाग जाइए माता, जाग जाइए। आप इतनी कठोर और निर्मम कैसे हो सकती है? आपने अपने ममता का आंचल क्यों समेट रखा है? जिस सृष्टि को आपने जन्म दिया है आज उसी सृष्टि का अस्तित्व संकट में है। माता, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, सृष्टि मिटने को है और आप योग निद्रा में लीन है। उचित है, मिट जाने दीजिए सब कुछ, नष्ट हो जाने दीजिए सब। आप इसी प्रकार योग निद्रा में लीन रहना चाहती हैं, तो ऐसे ही रहिए, ना उठिए, ना बचाइए इस सृष्टि को। मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माता, किंतु आप ही देखिए ना किस प्रकार सब कुछ नष्ट हो रहा है।
तुम भी अद्भुत हो गणेश। प्रार्थना, दया और अधिकार, सभी युक्तियों का प्रयोग किया और फिर याचना करने पर लौट आए। इस सृष्टि पर ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। सृष्टि की रक्षा कर सकती है। उठ जाइए ना माता, उठिए माता। माता आप अपना हट त्याग दीजिए ना। उठिए माता, उठिए ना माता, उठिए माता, उठिए माता, कृपा कीजिए। उठिए ना माता, उठ जाइए माता, जाग जाइए ना माता। कौन है? या देवी सर्वभूते शक्ति रूपे। मैं हूँ माँ गणेश। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। संतान को देखकर माता कैसे क्रोधित हो सकती है? मुझे क्षमा कीजिए माता, जगत की रक्षा हेतु आपको जगाने के लिए मैंने बहुत कुछ कह दिया, किंतु वो अनिवार्य था माता। इस बार भंडासुर ने ऐसी योजना बनाई है जिसमें वो स्वयं उलझ गया है। भंडासुर ने तो हमें जागृत कर दिया, किंतु उसका भाग्य स्वयं सो गया। प्रथम पूज्य गणेश और सेनापति कार्तिकेय इस बार हमसे वेद नहीं ले पाएंगे। कदाचित इस बार भाग्य हमारा साथ दे रहा है और हमें ही सृष्टि का साम्राज्य सौंपना चाहता है। किंतु हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अन्यथा वो हमारा वध कर देंगे। हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक बाहर सृष्टि और तुम्हारे भीतर इन वेदों का विनाश नहीं हो जाता। और एक बार ये वेद नष्ट हो गए, उसके बाद कोई भी हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई परम ब्रह्म भी नहीं। तब हम संसार की आरंभ से रचना करेंगे जिस पर केवल मेरा राज्य होगा, दुर्गमा सुर का। दुर्गमा सुर का। तुम्हारा राज क्यों होगा? मैं उस नए संसार का सम्राट बनूंगा। नहीं, तुम इसके योग्य नहीं हो। मैं बनूंगा सम्राट दुर्गमा सुर। योग्यता की बात मत करो, इन वेदों को अपने भीतर पचाने पर तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो तुम क्या चाहते हो, कि मैं अपने बल का प्रदर्शन करूं? माता सृष्टि संकट में है, हमें शीघ्र अति शीघ्र वेदों को लौटाना है, अन्यथा वो असुर उन्हें अपने पेट में ही नष्ट कर देगा। अब तो आप ही कोई मार्ग सुझाने की कृपा कीजिए। पुत्र गणेश, भंडासुर भले अभी सक्रिय ना हो, किंतु मैं तो अपना वचन नहीं भंग कर सकती। इस युद्ध में मैं जो भी करूंगी तुम्हारे सुझाव से ही करूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्त्र और उसकी शक्ति के तत्व को समझकर स्वयं विघ्नहर्ता गणेश मुझे उसका तोड़ नहीं सुझाते, मैं तुम पर अपने किसी भी अस्त्र का प्रहार नहीं करूंगी। मस्तक होने पर सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, क्योंकि माता प्रतिदिन दिन के आरंभ में वेद माता आपके चरणों पर मस्तक रखकर और उस असुर के गहन अंधकार में छिपे होने पर और उसके पेट में वेदों के होने पर भी आप ही उन्हें पुनः सक्रिय कर सकती हैं। मैं बनूंगा नई सृष्टि का सम्राट। तुम नहीं, मैं बनूंगा नया सम्राट।
सम्राट तो दुर्गमा सुर ही बनेगा। मैं बनूंगा। इसके भीतर से ही प्रकाश निकल रहा है। अनर्थ अनर्थ होने जा रहा था मुझसे। मुझे क्षमा करें माता, मैं ये कैसा अपराध करने जा रहा था। मैंने कहा है ग्रीव रुक जाओ, रुको है ग्रीव, मैंने कहा रुको। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा आदेश मानने को बाध्य नहीं हूँ। मुझे अपनी भूल सुधारनी ही होगी। वेदों की शक्ति से हैग्रीव में भक्ति उत्पन्न हुई है। जब तक ये वेद उसके भीतर रहेंगे, तब तक वो धर्म के मार्ग पर चलेगा, और वेदों के बाहर आते ही उस पर आसुरी प्रवृत्ति छा जाएगी। मुझे इस अंधकार के सागर से बाहर जाने के पहले रोकना होगा। वहाँ ये सुरक्षित नहीं है। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। अब और आगे बढ़े तो इसका घातक परिणाम होगा। ये क्या, इसको रोकने के प्रयास में मैं स्वयं अंधकार के सागर से बाहर आ गया। अब जब वो दोनों असुर अंधकार से बाहर आ गए, तो अब आगे क्या करना है गणेश? माता, वेदों को उनसे मुक्त कराना है। रुको, वेदों को बाहर मत आने दो। रुको, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। प्रणाम माता। देवी गायत्री, इन वेदों की शोभा आपके ही पास है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ये तो वही देवी है। कहीं ये
हमारे अंत का संकेत तो नहीं? गणेश, अब हमें क्या करना है? माता, हैग्रीव का अंत तो प्रभु हैग्रीव के द्वारा ही हो सकता है, और दुर्गमासुर का संहार माता ललिता के विशालाक्षी रूप के द्वारा हुआ था। नमो नमः। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतं आधारं सर्व प्राणानां भयग्रीवं उपास्महे। प्रणाम प्रभु हैग्रीव। प्रणाम माता। देवी विशालाक्षी कल्याण। जय युक्ता शक्ति रूप वैदेही। मेरे मार्ग से। इस बार मेरा अंत नहीं कर सकोगे तुम। इन दोनों असुरों का भी संहार हो गया, किंतु मैं सुरक्षित हूँ। अब मैं इस देवी सेना के नाश के लिए संपूर्ण शक्ति से प्रहार करूंगा। स्वयं को विजय समझने की भूल मत करो, बस कुछ देर प्रतीक्षा करो। मेरा ये एक ही अस्त्र सृष्टि का अंत कर उसकी पीड़ा को पूरी तरह से हर लेगा, जो आज तक किसी ने ना देखा हो। ऐसा विचित्र विध्वंसक होगा। ये किस प्रकार के अस्त्र का प्रयोग किया है दुष्ट ने? मैं भी यही ज्ञात करने का प्रयास कर रहा हूँ भैया। ये तो और भी भयंकर जान पड़ता है। प्रणाम
क्या हुआ? इसका ये अस्त्र अचानक शांत क्यों हो गया? ये क्या कर दिया इस पापी ने? महाविनाशक अस्त्र का प्रयोग कर दिया? ये अस्त्र तो अपने मायावी सागर में समाकर महाब्रह्मांड को भी महासागर में परिवर्तित कर सकता है। इस अस्त्र के प्रभाव को रोकने का क्या उपाय है? अन्य ब्रह्मांडों के बाद अब ये विशाल तरंग इस ब्रह्मांड की ओर बढ़ रही है। गणेश जी, अब मेरे अर्णव अस्त्र के प्रहार का कोई भी उत्तर आपको नहीं मिलेगा। ये विशाल तरंग हमारी ओर ही आ रही है। गणेश, शीघ्र इस संकट को मिटाने का कोई उपाय सुझाओ। मैं उसी का विचार कर रहा हूँ भैया। इतनी तीव्रता से बहते जल को भला कौन रोक पाया है? किंतु एक उपाय है माता, जिससे समस्या को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। माता, आप कृपा कर शीघ्र अपने शीतल अस्त्र का प्रयोग कीजिए। उसका रक्त मेरे हाथों पर फिर से। रक्त का विचार नहीं, इस महातरंग का आकार देखना है मुझे, जो समूचे सौर मंडल को लील कर नष्ट करेगी।
ये विशाल काय जल तरंग अभी तो शांत हो गई, किंतु ये हिम पुनः पिघल गई तो सर्वनाश का कारण बनेगी। पिघलेगा मेरे अगले अस्त्र की शक्ति से, अवश्य पिघलेगा ये हिम। ज्वालास्त्र, गणेश इस बार मुझे ऐसा उपाय बताओ जिसका कोई भी उत्तर इस पापी के पास ना हो। आविष्कार करने वाला ही अपने आविष्कार की प्रबलता और उसकी दुर्बलता को भली भांति जानता है, तो इस अस्त्र की दुर्बलता का ज्ञान तो भंडासुर के पास ही होगा। किंतु गणेश वो स्वयं क्यों इसकी दुर्बलता बताएगा? भैया उचित कहा आपने, किंतु युक्ति की शक्ति के सामने सब दुर्बल बन जाते हैं और जो ना भी कहना चाहते हो वो भी सब कुछ कह जाते हैं। किंतु ऐसी कौन सी युक्ति का प्रयोग करोगे तुम? चिंता मत कीजिए भैया, वो युक्ति मुझे सूझ चुकी है। प्रणाम माता, मुझे अनुमति दीजिए। बहुत आनंद आएगा मुझे जब सब नष्ट हो जाएंगे और शीघ्र ही ये धरती भी जलमग्न हो जाएगी। तो हमें रश्मि प्रभा को बचाने जाना चाहिए। फिर एक भ्रमित स्वर, इस बार मैं इन स्वरों से विचलित नहीं होऊंगा, अपने भावी विजय का पूर्ण आनंद लूंगा मैं। आपकी पुत्री, सबके विनाश के साथ अपनी पुत्री के भी विनाश का आनंद लेंगे आप? ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? बस और स्वर नहीं सुनना चाहता मैं, मुझे ज्ञात है मैंने क्या किया है। तो बताइए ना स्वामी, आपने क्या किया है? हमारी पुत्री तो सकुशल है ना स्वामी? नहीं। क्या क्या किया आपने? बताइए मुझे असुर महानायक, मुझे लगा था आप हमारे प्रेम की निशानी, हमारी पुत्री को कोई क्षति नहीं पहुंचने देंगे। क्या किया है आपने बताइए मुझे, शांत कीजिए मेरे हृदय की शंका को। तुम मिथ्या हो, भ्रम हो, माया जाल का रूप हो तुम, सत्य नहीं हो तुम। एक माँ का तो एकमात्र सत्य उसकी संतान होती है स्वामी, और मैं अपनी पुत्री की चिंता में यहाँ खींचे चली आई हूँ। बताइए कहाँ है मेरी पुत्री, बताइए। कहाँ है मेरी पुत्री? ना तुम सत्य हो, ना तुम्हारा ये रूप और ना तुम्हारे ये शब्द। आपके सामने होने पर भी आप मुझे भ्रम मान रहे हैं? आप किस भ्रम में हैं स्वामी? Thank you.
में हो यहाँ, तुम लौट आई प्रिय। और कुछ कहने सुनने से पहले ये कहिए, कहाँ है मेरी पुत्री, हमारी पुत्री? कहीं आपके कारण वो किसी संकट में तो नहीं है? ये रक्त रंजित हाथ इसके सामने नहीं आ सकता। क्या छिपा रहे हैं आप? जिसे मैंने आपके हाथों में सौंपा, उन नन्हे हाथों को कहीं संकट में तो नहीं डाल दिया ना आपने? बताइए ना स्वामी, मेरी पुत्री कहाँ है? कहाँ है मेरी पुत्री? गणेश की योजना का तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि उसे शीघ्र भंडासुर को इस विपत्ति से उबारने का उपाय बुलवाना होगा। आप शांत क्यों हैं स्वामी? क्या उसे आपके साथ और अपने पूरे परिवार को एक साथ देखने का मेरा यह स्वप्न पूर्ण नहीं होगा? परिवार? आज संसार में इस प्रलय की स्थिति को देखकर मैं स्वयं ही यहाँ चली आई, ये ज्ञात करने कि आप और रश्मि प्रभा कुशल पूर्वक तो है ना, किंतु वो तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ है मेरी पुत्री रश्मि प्रभा? ये क्या कर दिया मैंने? कैसे बताओ इसे कि पिता होकर स्वयं अपनी पुत्री को पहले उसकी मृत्यु के मुख में भेज दिया, और इसे ये सत्य ज्ञात हो गया तो ये भी मुझसे घृणा करेगी, एक पल भी यहां नहीं रुकेगी। बताइए स्वामी, मेरी पुत्री सुरक्षित तो है ना? बताइए स्वामी। रश्मि प्रभा, मेरी रश्मि प्रभा। उसका नाम सुनकर इस प्रकार क्यों चौंक गए आप? क्या ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं? क्या वो आपको कभी नहीं मिली? क्या वो यहाँ नहीं पहुँची? वो यहाँ नहीं तो अवश्य वो किसी बड़े संकट में है। ये किया है आपने? इस विपदा को उत्पन्न किया है आपने? मेरी पुत्री का ही नहीं, जगत का अनिष्ट किया है आपने। इस विनाश को रोकने में विलंब मत कीजिए, सुनिए मेरी पुकार को, मेरा और अपनी पुत्री का साथ पाने के लिए रोक दीजिए इस विनाश को स्वामी। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। रोक सकता तो अवश्य रोक देता, किंतु अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई तो उपाय होगा। एक बार ये हिम पिघलेगा
तो ऐसी प्रलय होगी जो सब कुछ ले जाएगी। इसे अब मैं नहीं, बस नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं।